नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान पे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा 3 होगा। पहला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरु का पर्यायवाची बताइए। तो सबसे पहले आपको तो तरु का मतलब पता होना चाहिए। तरु का मतलब होता है पेड़ या फिर वृक्ष, ठीक है, पेड़ या फिर वृक्ष। अब हमको इसका पर्यायवाची मतलब सिनोनियम बताना है, तो विटप भी क्या होते हैं, पेड़ या फिर वृक्ष को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सुनार शब्द का में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। यहाँ पे हमको क्या बताना है, प्रत्यय। तो सुनार क्या, जब हम सिंधी विच्छेद करेंगे तो इसका प्रत्यय क्या निकल के आएगा, आर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिमटना का विलोम बताइए। सिमटना मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ना, छोटा करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, फैलाना किसी चीज़ को एकदम विस्तृत रूप से, तो फैलाना इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विस्तृत क्यों नहीं होगा, विस्तृत अलग है और सिमटना का फैलाना होगा, विस्तार अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सही ऑप्शन को चुनना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जल में चलने फिरने वाले, जल में जो चल फिरते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, जलचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पठन का विशेषण रूप है, पठन का विशेषण रूप क्या है, पठित। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संपत्ति का सिंधि विच्छेद करना है। तो हमारा संपत्ति का सिंधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत प्लस मति। ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ, मतलब थोड़े दिन का सुख। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़े दिन का सुख को हम लोग मुहावरे के रूप में कैसे कहते हैं, 4 दिन की चांदनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। संस्करण में उपसर्ग क्या बनेगा हमारा, ठीक है, तो सम प्लस करण इसका क्या बनेगा, सिंधी विच्छेद। तो यही क्या होगा हमारा, सम प्लस, सम क्या होगा, उपसर्ग, और प्रत्यय क्या बनेगा, करण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दुख देने वाला, दुख देने वाला क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुखद कोई घटना होती है वो क्या करती है, दुख देती है। तो क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कली का पर्यायवाची बताइए। कली का पर्यायवाची क्या होता है, कलयुग। कलयुग मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा जिस युग में चले, जिसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलयुग। तो यही क्या होगा, इसका कली का भी अर्थ होगा, क्योंकि इससे पर्यायवाची पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अगम का विलोमार्थक शब्द बताइए। अगम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, अगम क्या होता है, अगम होता है ना चलने वाला, जो चल ना सके, ना चलने वाला, जो चल ना सके, अगम होता है जो चल ना सके। और सुगम क्या होता है, जो चलता फिरता रहे, जाने का रास्ता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुगम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ईंटों के ढेर को क्या कहते हैं। ईंटों के ढेर को हम लोग सभी जानते हैं, चट्टा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, एक कथा के अंतर दूसरी कथा आने को क्या बोलेंगे, अंतर कथा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। हमको 4 विकल्प दे रखे हैं, चाय, चाल, चीज और चूल्हा, इसमें बताना है हमको स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में जो चीज लिखा हुआ है, ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जान है तो जहान है का अर्थ क्या होगा। तो मतलब जब हमारा जीवन है तो ही सुख सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, जीवन ही सब कुछ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चक्कर में आना, चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ, मतलब किसी के धोखा देने में फंस जाना। तो यह ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, धोखा देना या फिर धोखे में फंस जाना, धोखे से फंसा लेना किसी को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सत्याग्रह शब्द का सिंधि विच्छेद करना है। तो सत्याग्रह का सिंधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग का उपसर्ग बताना है। प्रयोग में हमें क्या बताना है, उपसर्ग। तो प्रयोग का उपसर्ग क्या रहेगा हमारा, प्रे, प्रे प्लस योग बनता है, इसका सिंधि विच्छेद करेंगे तो आप इसमें अभी उपसर्ग क्या बन जाएगा, प्रयोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या था हमारा, नजराना का प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है जो बाद में लगता है, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। भानुदे, भानुदे का संधि विच्छेद करना है, तो भानु प्लस उदय, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट जाएगा, तो भानु प्लस उदय। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अंतरपट खुलना मतलब जो दिमाग की जाम नसें हैं उनको खुलना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणीकरण से शुद्ध है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला बात, कमीज तो सिल गई, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गई, तो ये तो वाक्य हो गया गलत। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध ना होगा, ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसी ने मेरी पुस्तक देखी, तो ये सही है, विकल्प क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट देख लेते हैं, मकान के बाईं ओर होता है कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध में प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय क्या आएगा, उ प्रत्यय आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अजन्मा, जो जन्म ना हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या रखा है, कान नाक में कौन सा समास है, तो आप सभी को पता होगा इसमें कान नाक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं जब हमारा डैश लगा होता है किसी दो शब्दों में के बीच में, तो वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।